1968 में रबर केबल्स बनाने वाली कंपनी के रूप में शुरू होकर कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, जो आज KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, आज वैश्विक उपस्थिति के साथ एक साम्राज्य बन गया है जो 55 से अधिक देशों में समग्र तार और केबल समाधान पेश करता है। KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 1968 में स्वर्गीय श्री DN गुप्ता द्वारा की गई थी और 1979 में श्री अनिल गुप्ता ने कंपनी की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अपनी लगभग 6 दशक की लंबी यात्रा में कंपनी भारत के अग्रणी और सबसे शक्तिशाली व्यवसायिक संस्थानों में से एक के रूप में उभरी है, जो विश्व स्तरीय तारों और केबलों की एक श्रृंखला के निर्माण में लगी हुई है, जिन्हें विविध ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। KEI ग्रुप ने बड़ी सावधानी से लाखों दिलों के साथ एक शक्तिशाली जुड़ाव बनाया है और कई छोटे और बड़े तरीकों से हर दिन लाखों घरों को रोशन किया है। महान सफलता का बीज अक्सर एक छोटा सा विचार होता है। सही ध्यान, प्रतिबद्धता और दृढ़ता के साथ ये छोटा सा विचार एक विशाल रूप ले लेता है। KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नेतृत्व दूरदर्शिता, विकास और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक है। KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना स्वर्गीय श्री DN गुप्ता ने 1968 में एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में की थी और इनकी प्रमुख व्यवसायिक गतिविधि रबर केबल बनाने की थी। इसमें हम बहुत सी छोटी सी जो अप्लायंसेस की वायर्स थी, पतली हाउस वायर्स जो थी रबर की, वो बनाया करते थे। और देखिए उस टाइम पर पूंजी की बहुत कमी होती थी, बैंकों के इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा थे और बैंकों से पैसा भी मिलना बहुत मुश्किल होता था। तो बिना पूंजी के और एक बहुत छोटी सी कैपेसिटी की फैक्ट्री जो पुरानी दिल्ली में थी, उससे उन्होंने ये सफ़र शुरू किया था। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी सफलता अगले 10 सालों में हासिल की। मैंने 1979 में उनको बिज़नेस में ज्वाइन किया, जब मैं मात्र 20 साल का था। और उसके बाद धीरे धीरे हमने फिर एक नई फैक्ट्री एस्टेब्लिश की जो हमने ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में लगाई। इसमें हम टेलीकम्युनिकेशन वायर, जो हमारी पुरानी प्रोडक्ट रेंज थी, और अप्लायंसेस की वायर, वो बनाते थे। फिर इसमें हमने धीरे धीरे कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन केबल बहुत छोटे स्केल पर ऐड किया, जो हमने कुछ पावर प्लांट्स को सेल करना शुरू किया। बड़ी लीग में प्रतिस्पर्धा करने वाली एक छोटी फर्म के लिए चुनौतियां काफी थीं, लेकिन KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक के बाद एक सफलता के मील के पत्थर को छूते हुए आगे बढ़ता रहा। ये उनके नवाचार और विश्व स्तरीय गुणवत्ता का प्रमाण था। उन पावर प्लांट्स की जो प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट थी, वो इतनी सख्त थी कि वो छोटी इंडस्ट्री को वो एंट्री देते ही नहीं थे। हमारी स्पर्धा उस टाइम 8 से 9 बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ थी, जो बड़े ग्रुप्स की कंपनियां थी। उसके लिए हमें उन पावर प्लांट के ओनर्स लाइक NTPC या स्टेट पावर यूटिलिटीज़ या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल से अप्रूवल लेने का चैलेंज था, जो हमने 2 से 3 साल की मेहनत करके लिया। कई जगहों पर काफ़ी जल्दी अप्रूवल मिले और हमारी एक्सेप्टेंस आई हमारे प्रोडक्ट की, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ, तो बहुत से थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, वो आनी शुरू हुई। हमने अदर देन पावर प्रोजेक्ट्स ऑयल रिफाइनरीज के लिए एफर्ट चालू किया 1991 में, और 2 या 3 साल की एफर्ट्स के बाद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंदर अपने उत्पादों को अप्रूव कराया। ये जो हमारा सफ़र था, बहुत मुश्किल था, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कैपिटल की कमी, और कैपिटल उन दिनों बहुत महंगी होती थी, और हमें स्पर्धा करनी थी बड़ी कंपनियों के साथ। फिर भी हम अपने उस रास्ते पर चलते रहे। कंपनी अपने उत्पादों की विविध रेंज के माध्यम से लगातार विकसित हो रही है और उत्पाद पोर्टफोलियो को रिटेल क्षेत्र में और आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। 2006 के करीब हमें महसूस हुआ कि अब हमें अपना रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ाना चाहिए, जिससे हमें उन एरियाज़ में जहां हम खुद नहीं पहुंच सकते या हमारी मार्केटिंग टीम्स नहीं पहुंच सकती, वहां पर हमें जाना चाहिए। आज रिटेल के अंदर हमारे पास लगभग 2000 से ज़्यादा चैनल पार्टनर्स हैं,
20,000 से ज़्यादा रिटेलर्स हैं और लगभग 2,00,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिशियंस हैं। और इन सबको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कॉल सेंटर है जहाँ लगभग 45 से ज़्यादा लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने व्यवसाय के प्रतिमानों को बदल दिया, जिन्हें KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने अनुकूल बना लिया। मैं ये कहता हूँ कि इस पेंडेमिक से हमें अपने ऐसे बहुत से छुपे हुए गुण पता चले जो हमें खुद ही नहीं पता थे। एक तो कैसे रिमोट डिवाइसेस से या वर्चुअल मीटिंग से हम किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस, इन टर्म्स ऑफ रिमोट इंस्पेक्शंस बाय द कस्टमर्स। हम कभी भी क्राइसिस से घबराए नहीं और हर क्राइसिस से हमने कुछ सीखा है और वो सीख को हम अगले क्राइसिस में यूज़ करते हैं जिससे हम बढ़ते ही रहें। पेंडेमिक में हम सेम प्रोडक्शन 20% कम वर्कर से हम ले पाए। आज इसके संस्थापक स्वर्गीय श्री DN गुप्ता द्वारा निर्धारित व्यवसायिकता की विरासत को परिवार की दूरदर्शी तीसरी पीढ़ी के अक्षित दिव्य गुप्ता द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, जो अपने पिताजी के सिखाए हुए पथ पर चल पड़े हैं। उनके पास बहुत सारे टैलेंट हैं, तो मैं तो सब कुछ ही सीखना चाहूँगा उनसे, बट उनकी जो एक डेडिकेशन है टुवर्ड्स हिज वर्क, जितना वो समय देते हैं बिजनेस के अंदर, जैसे वो लोगों को संभालते हैं और इतने सालों से उनको साथ लेके चल रहे हैं, ये मैं उनसे सीखना चाहूँगा। नई सीमाओं का पता लगाने के लिए एक मजबूत दृष्टि के साथ निर्देशित कंपनी के नए निर्देशक कंपनी के पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, केबल्स और वायर्स से हटके हमारा प्लान है अदर अप्लायंसेस में जाने का, जैसे फैंस हो गया, गीजर हो गया, ACs हो गए, LED लाइट हो गई, बट अगले 5-6 साल बाद हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। भारतीय जड़ों को मजबूत करने और नए बाजारों में विस्तार करने की प्रगतिशील दृष्टि के साथ KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक के बाद एक लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।